ड्रीम इलेवन ऐप को आप ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर जहाँ पे आपकी प्रोफाइल होती है, इस प्रोफाइल पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्सिबल प्ले, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद ठीक है ऐसा शो कर देगा। लॉस अलर्ट कैसे सेट करना है, ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, वह वीडियो आपको इस वीडियो के अंतिम में मिल जाएगा। यहाँ पर कि सेट लिमिट टेक अ ब्रेक। ड्रीम इलेवन पे इससे पहले भी यह फीचर अवेलेबल था, लेकिन जो अभी यह फीचर आया हुआ है इसमें कुछ अपडेट किया गया है, कुछ बदलाव किया गया है ठीक है। तो आप टेक अ ब्रेक पे टच कीजिएगा। टच करने के बाद कुछ ऐसा आपका शो कर देगा। ऊपर लिखा हुआ है कि रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ फ्रॉम प्लेइंग कैश कॉन्टेस्ट, यानी आप अपने आप को कैश कॉन्टेस्ट खेलने से यहाँ पे रोक सकते हैं। तो यहाँ पे पहला है कि प्लान अ ब्रेक फॉर लेटर, यानी बाद के लिए आप अपना एक प्लान बना सकते हैं जिसके बाद आप यहाँ से ब्रेक ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि वेन लॉस रिचेज, तो जो भी प्रेजेंट टाइम में फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा, जैसे कि अभी आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 चल रहा है ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि इंटर अमाउंट, यहाँ पे आपको अपना अमाउंट चूज कर देना है ठीक, और जो भी आप यहाँ पे अमाउंट डालिएगा वो 1000 के रेशियो में होना चाहिए, यानी 1000 2000 3000 इस प्रकार से करके। अगर आप 500 1500 2500 डालेंगे तो नहीं होगा। तो जो भी आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, जैसे ही वह अमाउंट आपका उतना लॉस हो जाएगा, तो जो नीचे लिखा है कि सेलेक्ट नंबर ऑफ डेज, तो यहाँ से आप डे चूज कर पाएंगे, तो उतने दिन के लिए आप यहां से जो कैश कॉन्टेस्ट है वो नहीं खेल पाएंगे ठीक। फॉर एग्जांपल के लिए यहां पे इंटर अमाउंट पे हम यहां पे डाल देते हैं 5000 ठीक है, कि अगर 5000 लॉस हो जाए तो ऑटोमेटिक ही यहां से कुछ दिनों के लिए हम कैश कॉन्टेस्ट ना खेल पाए। डे चूज करने के लिए यहाँ पर लिखा है कि सेलेक्ट नंबर ऑफ डे, इस पर टच कीजिएगा। मान लीजिए हम यहाँ से आप अपने आवश्यकता अनुसार चूज कर सकते हैं, एक दिन 3 5 7 9 11, तो हम यहाँ से 11 दिन चूज करते हैं इस प्रकार से ठीक है। तो यानी अगर मेरा लॉस 5000 हो जाता है ठीक है, और हमने 11 दिन चूज किया हुआ है, तो जैसे मेरा लॉस पार हो जाएगा तो 11 दिनों के लिए हम ड्रीम इलेवन पर कैश कॉन्टेस्ट नहीं खेल पाएंगे ठीक है। तो इस तरह सेट हमने कर दिया। यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू, इस कंटिन्यू पर टच कर दीजिएगा ठीक। फिर ऐसा आपसे कंफर्मेशन मांगेगा ठीक, तो यह आप कंफर्मेशन यहाँ से दे दीजिएगा इस प्रकार से। सेट लिमिट मैंने टच किया, देखिए यह सेट हो गया, शेड्यूल हो गया ठीक है। फिर नीचे एक आपका ऑप्शन है कि स्टार्ट अ ब्रेक नाउ ठीक, जैसे ही आप इसे अप्लाई करेंगे तो अभी से ही आप यहां पर कैश कॉन्टेस्ट नहीं खेल पाएंगे ठीक है। हालांकि जो भी यहां पर आपका प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट होंगे वो आप खेल पाएंगे। तो यहां पर लिखा है कि सेलेक्ट नंबर ऑफ डेज, यहां से इस पर टच कीजिए, जो भी दिन आपको यहाँ से चूज करना है वो चूज कीजिए। हमने 11 डे चूज किया, फिर कंटिन्यू पर टच कीजिए, फिर आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, तो लिखा है कि यस कंफर्म, इस पर टच कीजिए ठीक है। देखिए जो यहाँ पे मेरा ब्रेक है वो अब एक्टिव हो चुका है। अब हम 11 दिनों तक यहाँ पे कोई भी कैश कॉन्टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। और एक बार जो नीचे वाला ऑप्शन है ठीक है, आपका अगर ब्रेक एक्टिव हो गया तो इसे आप ये डीएक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। जो आपने वहाँ पे दिन सेट किया होगा, जैसे ही वो दिन पार हो जाएगा तो यह ऑटोमेटिक ही एक्टिव हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि प्ले कैश कॉन्टेस्ट आफ्टर 16th November, यानी 16 नवंबर के बाद से आप ऑटोमेटिक ही, यानी हम ऑटोमेटिक ही जैसे ही मेरा यह एक्टिव टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, ब्रेक टाइम ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद से हम यहाँ पर कैश कॉन्टेस्ट खेल पाएंगे। ज़्यादा कोई डाउट हो, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो लिखा है कि नीड हेल्प, इस पर टच करके आप ड्रीम इलेवन के सपोर्ट टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के बताया हुआ है कि ड्रीम लिंक सपोर्ट टीम से कैसे कॉन्टेक्ट करना है। ठीक, ओके, गॉट इट पर टच कीजिए। टच करने के बाद ठीक है, हम बैक आ गए। आने के बाद मान लीजिए अगर कोई भी आप मैच खेलना चाहते हैं, ठीक है, हमने यह मैच ओपन किया। ओपन करने के बाद ऑलरेडी मैंने यहाँ पर टीम क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, सारे कॉन्टेस्ट आपको शो करेंगे। ठीक है, देख लीजिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टीम क्रिएट किया हुआ है। कॉन्टेस्ट में जाके अगर मान लीजिए अगर आपको यह कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए जाएंगे तो ऐसा अलर्ट शो कर देगा कि आप कैश कॉन्टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। ठीक है, तो यह हो गया। फिर वहीं अगर आप प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट खेलना चाहें, हम नीचे आ जाते हैं, जैसे कि यह प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट है वो आप खेल सकते हैं। ठीक, देख लीजिए मैंने आपको लाइव दिखा दिया, बता भी दिया कि ड्रीम इलेवन पे ब्रेक कैसे लेना है या जो ड्रीम इलेवन का ब्रेक फीचर है इसमें क्या न्यू अपडेट आया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है कि अब आप जान चुके हैं कि ड्रीम इलेवन पे ब्रेक फीचर क्या है, इसे कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे इसे डीएक्टिवेट करना है, इसमें क्या न्यू अपडेट आया है, या इसे नए तरीके से कैसे आप इसे यूज कर पाएंगे या अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको मेरा यह सुझाव होगा कि ड्रीम इलेवन पे अगर आप ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं, ठीक है, बार बार हार रहे हैं अगर, तो आप ड्रीम इलेवन से ब्रेक ही लीजिए। टाइम टू टाइम ब्रेक लेना भी जरूरी होता है, जरूरी नहीं कि आप ड्रीम इलेवन पे हमेशा ही मैच खेलें। ठीक है, तो जब कभी भी अगर आपको लगे कि आप ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं, आपको किसी प्रकार का लत लग रहा है या आपको इसकी आदत हो रही है, ठीक है, तो इस दौरान आपको यहाँ से ब्रेक लेना जरूरी है। जैसे ही आप यहाँ से ब्रेक ले लेंगे, ठीक, उसके बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपको लत लगा है कि नहीं। बार बार अगर आपका मन करे खेलने के लिए, आपको किसी प्रकार की बेचैनी हो या आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप जान पाएंगे कि आपको इसका लत लग रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक, उम्मीद है कि अब आप जान चुके हैं कि ड्रीम इलेवन से आप ब्रेक कैसे ले पाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो जानकारी पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जो प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।